तो दोस्तों आज हम उन पांच पॉजिटिव मिलेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनको खाने से आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि कौन सी बीमारी में कौन सा मिलेट खाना चाहिए। तो आज आप लोग पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए, मैं आपको बताती हूँ कौन सी बीमारी में आपको कौन सा मिलेट खाना है। ये जो वीडियोस हैं इसका जो है तीन दो या तीन सीरीज में आएगा ये, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो जो पांच मिलेट हैं इनको फर्मेंटेड फॉर्म में खाना है कम से कम 2 दिन। हमारे कादर वली सर बोलते हैं कि कोई भी मिलेट अगर आप खाते हैं फर्मेंटेटेड फॉर्म में तो आपको कम से कम 2 दिन तो खाना ही है, तभी आपको उसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा। अदरवाइज आप उसको उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और मिलेट्स को आपको मिक्स नहीं करना है, इस गलत फहमी में कोई भी मत रहिएगा। किसी भी मिलेट को आप मिक्स नहीं कर सकते, हर मिलेट को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही आपको खाना है। रेशन फॉर्म में आपको कम से कम 2 दिन उसको खाना ही खाना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से बीमारी में हमें कौन सा मिलेट जो है वो खाना चाहिए और वो फायदा करता है। स्क्रीन पे आपको मैं दिखाती चली जाऊंगी, इसमें आप लिख लीजिएगा और आप इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं कौन सी बीमारी में आपको कौन सा मिलेट खाना चाहिए। जिन लोगों को डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है और जिन्हें एल्बियम यूरिया की प्रॉब्लम है, गाउट है जिनको, उन्हें कौन सा मिलेट खाना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा और इसको कहीं लिख लीजिएगा। आपको लिटिल मिलेट जो है वो खाना है 3 दिन, कोडो मिलेट जो है वो खाना है 3 दिन, बानियार्ड मिलेट आपको खाना है 3 दिन, फॉक्सटेल आपको खाना है 1 दिन और ब्राउन टॉप मिलेट आपको खाना है 1 दिन। ये हो गया आपका डायलिसिस एल्बियम गाउट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है ये है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी हो गई है आज की डेट में, तो डायबिटीज़ में हमें कौन सा मिलेट खाना चाहिए वो भी आप लोग ज़रा देख लीजिए। अब तो डायबिटीज़ में हमें लिटिल मिलेट खाना है 2 दिन, कोडो मिलेट हमें खाना है 2 दिन, बार्नियार्ड मिलेट हमें खाना है 2 दिन, फॉक्सटेल मिलेट हमें खाना है 2 दिन, ब्राउन टॉप हमें खाना है 2 दिन। तो टोटल ये 10 दिन का कोर्स है जो आपको कंप्लीट करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि थायराइड के पेशेंट के लिए, जो पिकॉज पिकॉट के हार्मोनल इम्बैलेंस जिनको होता है उनके लिए, या जिनको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है उनके लिए, उन्हें कौन सा मिलेट खाना चाहिए। तो उन लोगों को लिटिल मिलेट जो है वो 3 दिन खाना है, कोडो मिलेट खाना है 1 दिन, बानियार्ड मिलेट खाना है 1 दिन, फॉक्सटेल खाना है 1 दिन, ब्राउन टॉप मिलेट खाना है 1 दिन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये सही प्रोपोर्शन है खाने का। अगर आप इस तरीके से खाते हैं तो आपको ये जो डायबिटीज़ की इशू है, थायराइड की इशू है या डायलिसिस का इशू है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम है, एंजाइना है, इस तरह की समस्या जिन लोगों को है, उन लोगों को किस तरह से मिलेट खाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उन्हें खाना है लिटिल मिलेट जो है वो खाना है 2 दिन, कोडो मिलेट खाना है 2 दिन, बानियार्ड खाना है 2 दिन, फॉक्सटेल मिलेट खाना है 2 दिन, ब्राउन टॉप मिलेट खाना है 2 दिन। जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, उन लोगों को किस तरह का मिलेट खाना चाहिए, कौन सा मिलेट खाना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। उन्हें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए लिटिल मिलेट से। लिटिल मिलेट उन्हें खाना है 3 दिन, कोडो खाना है 3 दिन, बानियार्ड खाना है 1 दिन, फॉक्सटेल खाना है 1 दिन, ब्राउन टॉप मिलेट खाना है 1 दिन। इसके बाद वजन घटाने वाले मिलेट तो मैंने बता दिए, अब वजन बढ़ाने वाला मिलेट कौन सा है जिससे आपका वजन जो है वो बढ़ जाए, वो मिलेट मैं आपको बता देती हूँ। किस तरह से खाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपका वजन अगर कम है, अंडर वेट है, तो आप वापस अपना वेट गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो उन लोगों को लिटिल मिलेट खाना है 3 दिन, कोडो मिलेट खाना है 3 दिन, बानियार्ड मिलेट खाना है 1 दिन, फॉक्सटेल खाना है 1 दिन, ब्राउन टॉप मिलेट खाना है 1 दिन। तो जितने लोग अंडरवेट हैं सुन लीजिए इसको, आप लोगों की शिकायत दूर हो गई। बहुत से लोग मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि हमारा अंडरवेट हो गया है, वजन कैसे बढ़ाएं, तो मैंने आपको आज बता दिया है। जिनको पार्किंसन की प्रॉब्लम है, टीबी है, फिट्स आते हैं, पैरालिसिस है, उन्हें जो है किस तरह से मिलेट खाना है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो उन लोगों को खाना है फॉक्सटेल 3 दिन, ब्राउन टॉप खाना है 3 दिन, बानियार्ड मिलेट खाना है 1 दिन, कोडो मिलेट खाना है 1 दिन और लिटिल मिलेट खाना है 1 दिन। दोस्तों फर्मेंटेड मिलेट बनाने के लिए हमें 1 ग्लास मिलेट लेना है, इसको हमें जार में डालना है और 2 सेकेंड के लिए आपको पल्स मोड पर इसको
चलाना है, सिर्फ पल्स मोड पे रखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ श्रीधानिया मिलेट बनाने का, ये मेथड आप सारे श्रीधानिया मिलेट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलेट अब तैयार है सोक करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम इसको वॉश करेंगे। एक स्टील के बर्तन में हम मिलेट को निकाल लेंगे और उसको हम एक ग्लास पानी डाल करके अच्छी तरह से उसे हम साफ करेंगे। मिलेट से पानी को निकालते समय आप एक छलनी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि मिलेट बहुत छोटे होते हैं और वो गिरने का डर होता है उनका। अगर आप छलनी में उसको छानेंगे तो मिलेट आपका वेस्ट नहीं जाएगा और जो उसका पानी है, ख़राब पानी, वो बाहर निकल जाएगा। अब हम इसको सोक करने के लिए रखेंगे, जिसके लिए हम इसमें 10 ग्लास पानी मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने एक ग्लास फॉक्सटेल मिलेट लिया था, हम उसमें 10 ग्लास पानी मिक्स करेंगे और इसको हमें सोक करना है कम से कम 8 घंटे के लिए, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत हाई होता है, तो इसका सोक करके रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों याद रखें, इस मिलेट को बनाने के लिए हमें मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करना है, आप और किसी भी बर्तन में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा और इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को बचा के रखना चाहते हैं। तो हमने जिस पानी से इस मिलेट को सोक किया था, उसी पानी को हमें इस मिट्टी के बर्तन में भरना है और उससे हमें पकाना है। आपको याद होगा कि हमने 10 ग्लास पानी डाला था, वो पूरा 10 ग्लास जो है वो इसमें इस्तेमाल होगा और जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए पानी, आपको इसके अंदर मिलेट को डालना है और उसको धीरे धीरे चलाते रहना है। ध्यान रखिएगा, गैस की आंच बहुत धीमी होनी चाहिए। मिलेट को हमें बीच बीच में चलाते रहना है, जिससे कि मिलेट चिपके नहीं। मिट्टी के बर्तन के नीचे अगर आप छोड़ देंगे उसको तो वो चिपकने का डर रहता है, इसलिए आपको बीच बीच में इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मिलेट अब पूरी तरह से पक चुका है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, जिसके लिए हमें इसको आधे घंटे तक लिड को आधा बंद ढक करके और इसको छोड़ना पड़ेगा। ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। दोस्तों मिलेट पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, इसको हम खद्दर के कपड़े से अच्छी तरह से बांध देंगे ताकि इसमें बाहर का कोई भी बैक्टीरिया एंटर ना कर पाए और अंदर ये मिलेट जो है अपने आप एक प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज डेवलप करेगा, मल्टीप्लाई होगा और वो आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस तरह से बांधने के बाद हमें इस मिलेट को कम से कम 8 घंटे के लिए छोड़ना है। अगर आप पहाड़ पे रहते हैं ठंडी जगह पे, तो इसको कम से कम आपको 12 घंटे के लिए छोड़ना होगा, लेकिन अगर आप गर्म जगह पे रहते हैं तो ये 6 से 8 घंटे गुड इनफ है ताकि इसमें फर्मेंटेशन हो जाए। अभी देखिए, हम इसको हटा के दिखा रहे हैं आपको, पूरे जो कपड़ा है उसको मैंने हटाया और ये देखिए पूरी तरह से जो है ये फर्मेंट हो चुका है। अब आपका ये जो ग्रुअल है ये पूरी तरह से खाने के लिए तैयार है। आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके इसको आप छाछ के साथ खा सकते हैं, इसको आप दाल के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मैं ज़्यादा डिजीज के बारे में बात करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो देखते भी नहीं हैं ज़्यादा लोग, तो मैं चाहती हूँ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, इसलिए वीडियो को इतना लंबा मैं नहीं करूँगी। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। अगले वीडियो में मैं और भी बाकी के डिजीज़, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ के नाम जो है वो डॉक्टर खादरवली जी ने अपने PDF में दिया है, तो धीरे धीरे करके मैं सारे डिजीज़ कवर करूँगी अगले वीडियो में जो है, अगले में भी 5 और 6 डिजीज़ मैं कवर करूँगी। तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड Goodbye.